हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने देख लिए हैं, फोर पार्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर वन के। अब हम पार्ट फिफ्थ और पार्ट सिक्स पे बात करेंगे। देखना क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो आप, सिंपली ये क्वेश्चन वन है, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन, वन इक्वेशन को देखोगे तो देखो रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री वाई हो जाएगा। रूट टू को नीचे भेजो, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू। परिवार एक साथ आप रूट भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। पुट वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन, देखो वन से तो बनाया है अपन ने, इसको टू में पुट करेंगे, ऑब्वियस बात है। रूट थ्री, देखो केवल इस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट हो गई, माइनस का रूट थ्री रूट टू वाई माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो। अब क्या होगा देखो, आगे देखो, रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है सर। और ये माइनस रूट टू वाई नीचे चल रहा है, माइनस रूट एट अपॉन वाई। एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट थ्री माइनस रूट, देखो रूट एट और रूट, क्या कह रहा हूँ समझना, रूट टू और रूट एट को मल्टीप्लाई करेंगे ना जब एलसीएम से, वन से टू से किया तो रूट टू, फिर रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो अंदर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, एट टू जा सिक्सटीन हो गया ये ऐसे। ये कुछ समझ में आया आपको, ये वाला स्टेप कैसे किया। अब देखो रूट में 16 है तो रूट में 16 को सॉल्व करोगे तो सर 4y निकलेगा, ऐसा ही होगा। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो ही जाना है। ये माइनस 7y इक्वल्स टू जीरो हो गया, फिर ये भी नीचे आ गया तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा आपके पास, जीरो बचेगा। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री रूट टू वाई की वैल्यू जीरो। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या निकल के आ गया, एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयर फोर सॉल्यूशन आर, एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू जीरो, तो दोनों में ही जीरो आ गया आंसर। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार आप नोट डाउन कर लेना या फिर रिवाइज करके देख लेना, कोई इश्यू है तो वैसे एक बार देखने के बाद आपको आ जाएंगे सवाल अच्छे से। आगे देखो आप फिफ्थ सिक्स वाले पार्ट पर, सिक्स वाले पार्ट में आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, थ्री एक्स बाय टू माइनस फाइव वाई बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे कैसे हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये एलसीएम है, सिक्स होगा एलसीएम। टू थ्री जा थ्री, थ्री जा नाइन एक्स माइनस टू फाइव जा टेन वाई, सॉरी हाँ वाई है ये एक्स है, इक्वल्स में माइनस टू, ये सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाइन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल सिक्स टू जा ट्वेल्व। ये हो गई आपकी इक्वेशन वन, ठीक है। अगली वाली इक्वेशन देखो, ये वाली एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई बाय टू इक्वल टू थर्टी बाय सिक्स। एलसीएम लोगे आप इसका या नेक्स्ट वाले पर ही कर लेता हूँ यार। अगली क्या आती है हमारे पास, एक्स बाय थ्री प्लस वाई बाय टू थर्टीन बाय सिक्स। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एलसीएम लो इनका, सिक्स थ्री थ्री टू जा तो ये टू एक्स, टू थ्री जा तो ये थ्री वाई, और इक्वल में थर्टीन बाय सिक्स। आपको पता है सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यह समझ लो सिक्स को ऊपर भेज दिया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर, फिर काट दिया, कैसे भी समझ सकते हो। टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थर्टीन, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है सर। अब देखना आगे, फ्रॉम इक्वेशन वन मैं कोई से भी चूज कर सकता हूँ, मैं वन चूज कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन वन नाइन एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व, ठीक है, प्लस के टेन वाई, भाई उधर चला गया टेन वाई तो प्लस हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, केवल एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन मुझे ना केवल एक्स का निकालना है, तो टेन वाई डिवाइड में नाइन, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान रहा हूँ। अब आसान है बिल्कुल, इक्वेशन थ्री इन, अभी थर्ड इक्वेशन मैंने वन में से निकाली थी, वन में पुट नहीं करना, सेकंड में पुट करना है। सेकंड टू केवल इस एक्स की जगह ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई अपॉन नाइन प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थर्टीन। याद रखना, अगर मैं ये वैल्यू लेता थोड़ा और इजी गोइंग पड़ता हूँ मेरे पास, क्योंकि डिवाइड में टू कट जाता। अब इधर देखो, यहाँ नाइन है, ठीक है, यहाँ एलसीएम लेना है आपको, और ये टू से अंदर के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्वेल्व टू जा माइनस ट्वेंटी फोर हुआ, प्लस का ट्वेंटी वाई हुआ, प्लस नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन वाई हुआ, और ये डिवाइड में नाइन आ गया। कैसे किया मैंने, देखो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन हो गया ना ये,
और डिवाइड में कंप्लीटली 9 का एलसीएम ले लिया, और इक्वल्स में क्या आ गया आपके पास, देखो 13 आ गया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल इजी स्टेप चल रहे हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल इजी है। आगे बढ़े, ठीक है। ये देखो आप -24, 20 और 27 को मैं ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा देखो, 20 40 57 वाई, 9 3 से करोगे कितना हो जाएगा आपके पास, 117। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 24 को वहां ले जा रहा हूँ मैं, वहां पे 57 वाई इक्वल्स टू 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करोगे तो 24 है नहीं, हाँ 7 और 4 कितना हो गया आपके पास, 7 4 हो गया 11, 1 2 3 4 और ये 147। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये समझ में आ गया। अब वाई का वैल्यू निकालना है, 141/57 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है क्या, देखो ये एक बार कंप्लीटली, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 10 15, एक मिनट को दिक्कत तो नहीं कर दी यहाँ पे, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ इसमें, 20 26 ठीक है, 7 117, ये 57 हुआ, 20 20 40 47 है ये, एक मिनट एक मिनट, अच्छा अभी देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये कट जाना है ये आई थिंक, ठीक है हाँ 47 से काटो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 3 120 120 और 7 3 121 120 140 121, 3 टाइम कट गया ये, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू 3 14 इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करूं भाई, देखो थर्ड इक्वेशन में, थर्ड क्या है, एक्स इक्वल्स टू -12 + 10, वाई की वैल्यू 3 आ गई और डिवाइड में कितना हो गया सर, 9, -12 + 30 डिवाइड बाय कितना हो गया सर, 9, 30 में से 12 लेस करूंगा कितना हो जाएगा मेरे पास, 18 हो जाएगा, 9 2 कितना हो गया 18 हो गया, तो मेरे पास एक्स इक्वल्स टू तो आ गया है 2 एंड वाई इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 3। अब बताओ क्या नहीं आया, ठीक है क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।